रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और अंकिता लोखंडे, इन तीनों के बारे में बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, जो आपको ना गूगल पे मिलेगी, ना ही किसी मीडिया चैनल पे मिलेगी, ना ही पीआर मीडिया में मिलेगी, ना डिजिटल मीडिया में, ना प्रिंट मीडिया में, कहीं नहीं। क्योंकि आज जिस तरह से आप मुझे जानते हैं, मैं सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड, बॉलीवुड का कोरियोग्राफर और न्यूज़ मीडिया से कनेक्टेड, इन तीनों चीज़ों की वजह से हर कोई ऐसा इंसान बच नहीं सकता जो मुझसे कोई भी खबर छुपा पाए। और न्यूज़ मीडिया को शायद दबाया जा सकता है पॉलिटिकल प्रेशर की तरफ से, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को कौन दबा पाएगा, क्योंकि हम न्यूज़ सच दे रहे हैं और सच के खिलाफ कोई कानून या संविधान में ऐसा लॉ नहीं है कि उसको कोई लॉ में केस कर सके या कुछ ये कर सके। लेकिन इस वीडियो में ये खबर बताने से पहले मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करें इस चैनल को। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि बिल्कुल ही जंगल में रह लो कुछ दिन, क्योंकि तुम्हारे सेहत और तुम्हारे लंग्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहा हूँ तो इसीलिए, और वहाँ पे रात को रहना पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि दिन भर ऑक्सीजन लेते रहो, आपको कभी भी जब भी प्रॉब्लम होगी लाइफ में वो ऑक्सीजन और वो हेल्थ आपको काम आएगी। चलो इस खबर के साथ आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे, अंकिता लोखंडे के बारे में आपको पता है, विकी जैन से शादी हो चुकी है, 500 करोड़ की मालकिन बन चुकी है, अच्छी खासी बड़े से बंगले में रहने गई है, उसके साथ 7 से 8 फ्लैट मुंबई में ऑलरेडी है, उसका पवित्र रिश्ता चल रहा है, स्मार्ट जोड़ी पार्ट 2 में विनर हो गई है, और इसके बाद सब कुछ ठीक है। अब अंकिता लोखंडे के बारे में दूसरी खबरें, मैं वो खबरें बिल्कुल नहीं बताता हूँ कि अंकिता लोखंडे ऑप्स मूवमेंट की शिकार हो गई और ये सब चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। ये सब आज की डेट में कुछ लोग पीआर स्टंट भी होता है और कुछ लोगों के साथ रियल में हो जाता है, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि ताकि वो चीज़ें उनको थोड़ी सी पब्लिसिटी दे सके और उनका नाम मीडिया में कंटिन्यू रह सके। आगे बताता हूँ और एक बात आपको, अंकिता लोखंडे के बारे में बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या है, ये ऑप्स मूवमेंट ये वो नहीं, अंकिता लोखंडे के बारे में बड़ी खबर ये है कि महेश शेट्टी को वापस मिली, विवेक ओबराय को वापस मिली, संदीप सिंह को वापस मिली, और इन सब की बारे में एक फिल्म बन रही है जो संदीप बना रहा है। पैसे संदीप के लगे हैं, नॉट डायरेक्टर, संदीप के पैसे लगे हैं लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है। लेकिन संदीप ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मेरा नाम इस फिल्म में मत डालो। तो इस फिल्म में महेश शेट्टी है, इस फिल्म में अंकिता लोखंडे है, इस फिल्म में विवेक ओबराय एज ए प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर कोई और है, इसका नाम मैं अभी फिलहाल नहीं बता क्योंकि शूटिंग चालू नहीं हुई है। सो ये पूरा ग्रुप है, मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं बोलता, लेकिन संदीप के बारे में आपको पता है, इसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन विवेक ओबराय उस फ्यूनरल में क्यों आता है, क्योंकि सुशांत को मुझे तो नहीं मालूम कि सुशांत के साथ विवेक ओबराय ने कहीं पे काम किया हो या कहीं पे शूटिंग की हो, छोटा सा ऐड भी किया हो या फिर कहीं शो में परफॉर्म किया हो या मिल के कोई फोटो लिया हो या फिर कुछ सोशल मीडिया पे बात आई हो। विवेक ओबराय और सुशांत की कोई कनेक्शन नहीं दिखता मुझे, लेकिन फिर भी विवेक ओबराय, अंकिता लोखंडे, संदीप सिंह ये तीनों दोस्त है, महेश शेट्टी, तीनों चारों दोस्त है और महेश विवेक ओबराय उस फ्यूनरल में आता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती के बारे में जो न्यूज़ में तो चल ही रहा था, कल पूरे न्यूज़ में आया, मैंने आपको खबर परसों दे दी थी कि रिया चक्रवर्ती के बारे में चार्जशीट हो गई है और उसके सीधा सीधा चार्जशीट में ये लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स वो ओवरडोज देती थी और उस वजह से सुशांत अपने भाई शोवे को लेके और बुला के सुशांत सिंह राजपूत को ओवर ड्रग्स देती थी और उसके वजह से ये सब हुआ, ये चार्जशीट में लगाया हुआ है। लेकिन ऐसे ही चार्जशीट में लगाया हुआ था सिद्धार्थ पिठानी के, और पिठानी के बारे में अब लिखा गया है कि अकाउंट से पैसे जाते थे सुशांत के, इसके लिए सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिल गई। अब रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिलेगी या नहीं, ये मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया डिटेल में, वो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ आपको इस बारे में जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है वो अपनी तरफ से है, लेकिन रिया चक्रवर्ती कर क्या रही है। रिया चक्रवर्ती कर रही है एक टॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, वो दो फिल्में साइन कर चुकी है लेकिन वो फिल्मों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि नाम भी किसी को नहीं पता है। उस फिल्म में जो काम टीम में जो काम कर रहे हैं उनको तक फिल्म का नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ मेन एक्टर और प्रोड्यूसर्स को बताया गया है। ये फिल्म कहा जाता है कि ये फिल्म
मेरे सोर्सेज की तरफ से ये कहा जाता है कि ये फिल्म शिबानी दांडेकर के हस्बैंड फरहान अख्तर की तरफ से गई है। फरहान अख्तर दिल चाहता है मैं पहला डायरेक्टर था। उसके बाद खुद जब लॉन्च हुए रॉक ऑन वगैरह, डॉन टू डॉन वन, इसमें फरहान अख्तर ने खुद प्रोड्यूसर है तो वो बहुत बड़ी लेवल पे प्रोड्यूसर करते हैं। और उसके बाद अब उन्होंने रिया चक्रवर्ती को डाला तो इनफैक्ट वो फिल्म छोटी तो होगी नहीं। कहा जाता है उन दो फिल्मों में से एक फिल्म में बहुत बड़े स्टारकास्ट भी काम कर रहे हैं जिसके साथ अभी तक रिया ने काम नहीं किया, क्योंकि अभी तक रिया ने मेरे हिसाब से कोई भी बड़े स्टारकास्ट के साथ काम नहीं किया। वो चेहरे फिल्म की बात अलग है क्योंकि वो चेहरे फिल्म में इमरान हाशमी है। इमरान हाशमी का मुझे नहीं लगता कोई अभी आज की डेट में काम बहुत अच्छा चालू है। अमिताभ बच्चन है, लेकिन बाकी जितनी भी फिल्में रिया चक्रवर्ती की देखेंगे मुझे नहीं लगता वो फिल्म में है। और रिया चेहरे फिल्म जो उसको मिली है वो रूमी जाफरी की वजह से मिली है। ये रूमी जाफरी वही है जिसके साथ जो सुशांत को 15 करोड़ देने वाले थे, और वही सुशांत रूमी जाफरी के साथ रिया चक्रवर्ती को लेके साथ में दोनों काम करने वाले थे। ये तो रही रिया चक्रवर्ती की खबर। टॉलीवुड में एक फिल्म है और बॉलीवुड में दो फिल्में वो कर रही है, और एनसीबी की इस चार्जशीट पर उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है मैं अगले कभी किसी लाइव में आपको ज़रूर बताऊंगा। तीसरा, आदित्य ठाकरे के बारे में बात करते हैं। आदित्य ठाकरे के ऊपर FIR करने की पूरा ये किया जा रहा है, FIR नहीं हुई तो उन्होंने बोला कि आदित्य ठाकरे के ऊपर FIR होनी चाहिए, बहुत बड़े प्रेशर लग रहे हैं। ये किस लिए मैं आपको बताता हूँ। आर्य कॉलोनी का एक जंगल है, आर्य कॉलोनी मतलब गोरेगांव ईस्ट में एक फिल्म सिटी है, वहाँ पे आर्य कॉलोनी है, रॉयल पाम उसको बोला जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है वो। तो वहाँ पे क्या है, इन्होंने मेट्रो का ये किया था देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन जब बाला उद्धव ठाकरे की सरकार आई थी तो उन्होंने वो कैंसिल किया था, क्योंकि पर्यावरण मंत्री है आदित्य ठाकरे तो पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने ये बोला था, तो इस वजह से। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब वापस आई तो उन्होंने कहा मेट्रो बननी चाहिए, तो उन्होंने वो प्लान अप्रूव कर दिया। तो पर्यावरण मंत्री तो नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर वापस से वो आगे मंत्री पद रहा नहीं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब उस प्रोटेस्ट में कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जंगल, यही एक मुंबई का जंगल है, आदित्य ठाकरे का कहना है कि यही इतना बड़ा मुंबई का जंगल है जितना 600 एकड़ में पेड़ ही पेड़ है, और वही शायद मुंबई को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, बचा रहा है। तो उस प्रोटेस्ट में वो कुछ बच्चे थे जिनके पास ब्लैक कार्ड्स था, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ब्लैक कार्ड्स था, लेकिन उस प्रोटेस्ट में आदित्य ठाकरे ने बच्चों को यूज़ किया, तो बाल विकास जो होता है उन लोगों ने FIR की मांग की, लेकिन अभी इस FIR की मांग मुंबई पुलिस ने ली नहीं। सोचिए, FIR उसको मुंबई पुलिस ने नहीं लिया तो क्या हुआ आगे, मतलब इसका मतलब है आज भी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मुंबई पुलिस में लोग हैं। मीन्स सिर्फ इसका ये नहीं होता, अब यहाँ पे बात यहाँ आई है कि FIR की मांग करने वाले बीजेपी की तरफ से आते हैं। लिसन, मांग करते हैं बीजेपी की तरफ से लोग आते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के नहीं होते, वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी के नेता नहीं है, बीजेपी सपोर्टर है। अब यहाँ बात ये फंसती है कि बीजेपी शिवसेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ है या नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में मैंने ये भी बताया कि द्रौपदी मुर्मू को उद्धव ठाकरे जी ने सपोर्ट किया, और उसके अपोजिट में जब संजय राउत ने बोला कि द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना मतलब बीजेपी के साथ हाथ मिलाना नहीं है, बल्कि पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उनके 11 MLA जा रहे थे तो सपोर्ट कर रहे थे, इसका मींस, और संजय राउत जो स्टेटमेंट देते हम बीजेपी के साथ नहीं, इसके ऊपर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब मुझे तो लग रहा है कि दोनों मिल रहे हैं। लेकिन अब ये जो बीजेपी के सपोर्टर है, इस तरह से इन्होंने बोला कि नहीं FIR की मांग होनी चाहिए, उसका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। तो ये जो मांग हो रही है उसकी वजह से शायद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। शायद बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे शिवसेना के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे कि हिंदुवादी थे तो जो एकनाथ शिंदे के साथ मिले, तो शायद ऐसे भी बीजेपी के साथ कुछ लोग होंगे जो नहीं चाहते कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी के साथ मिले। तो महाराष्ट्र में अब सरकारों के बारे में कुछ भी हो सकता है, और यही महाराष्ट्र की सरकार की उथल पुथल ही डिसाइड करेगी सुशांत सिंह राजपूत के केस को। और बाय द वे, जो भी NCB के चार्जेस रिया के ऊपर लगे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि उसकी वजह से CBI की कुछ तार निकलेंगे। ऑफकोर्स आई एम हैप्पी कि ये चीज़ें सामने आई कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था, उसको दिया जाता था,
आई एम हैप्पी, क्योंकि ये चीज़ें भी बार 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 मैंने बोली है कि वो नहीं ले सकता भाई ये चीज़ें, वो तो बहुत हेल्दी फिट आदमी था, वो मेरे जैसे इंसान को शराब जैसी चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तो सोचो, ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है और उसको खुद का लेना तो बहुत दूर की बात है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें, चलो एक चीज़ साबित हुई, लेकिन मेन कॉन्सेंट्रेशन हमारा CBI है, वो क्या कर रही है वो चाहिए। जब जब हो सके तब सुशांत के लिए आवाज़ उठाएंगे, ऑफ कोर्स जब जब हो सके बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ उस दौर से अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड हो, दिव्या भारती से रिलेटेड हो, या फिर जिया खान से रिलेटेड हो, या श्रीदेवी से रिलेटेड हो, या फिर बॉलीवुड की कोई भी अपडेट हो, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कितना भी डेंजर मामला हो, इस चैनल पे आपको सिर्फ सच मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिए।